गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो तो अभी हम लोगों को आज क्या करना है, क्या बचा है हमारा? कुछ नहीं, बस चाप एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिया, उससे रिलेटेड मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी मिलते जुलते वोला पार्ट एक बार फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? और फिर बढ़ेंगे हम हमारे एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है जी? चलो, एनी डाउट्स? कोई डाउट है क्या आप लोगों को? जो भी होमवर्क दिया था, क्या था होमवर्क? देखो हमने 8 क्वेश्चन 1 to 8 मैंने आपको करने के लिए बोला था, उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? मैं करवाने वाली हूँ, आप उसकी चिंता मत करो, बट आप आपके डाउट्स तो पूछो, बोलो। डाउट है? हाँ दिव्या, डाउट है या नहीं है? चलो यार, अरे बच्चों किधर हो तुम लोग, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आज? सबके सब सोए हुए लगता। देखो इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है? एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर लिया था और हम लोग डायरेक्टली मूव कर रहे हैं इसकी तरफ, मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। मिसलेनियस एक्सरसाइज की भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, याद आ रहा है? 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद के क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क बोले थे। तो बता दो यार बेटा, क्वेश्चन 4 वाला एक बार कन्फर्म करना है। ओके, और कोई बच्चे को कोई डाउट? होमवर्क ही नहीं कर रहे ना मैथमेटिक्स का तुम लोग? डेली बेसिस पे होमवर्क करो, अदरवाइज कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। पता है क्या, आपको होमवर्क खुद को ही प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में आउट ऑफ चाहिए, एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के में आपको चाहिए आउट ऑफ, इजिली आते हैं बट प्रैक्टिस लगता, ठीक है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ चाहिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत मगिंग अप लगता, मतलब कुछ चीज़ें एक बार समझ लो, बाद में आपको बार बार वो चीज़ें रिपीट करनी है, रिकॉल करनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला पार्ट है, तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी होगी ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, बट आपने किया है या नहीं किया है? चलो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? चलो गाइज, आई एम स्टार्टिंग नाउ, ऑल राइट। अब मर्चेंट, एक मर्चेंट है जो क्या कर रहा है, जो कमीशन दे रहा है, ही गिव्स, मर्चेंट गिव्स 5% कमीशन, 5% कम। मर्चेंट मतलब कौन होता है गाइज? मर्चेंट मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मेरे को, बोलो मर्चेंट मतलब कौन? देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। अरे मर्चेंट मतलब नहीं मालूम, बोलो फिर। ये बेटा फटाफट से बोलो, सौदागर, क्या नाम बोला है ना तो सौदागर। नॉर्मल अपने टर्म में बात करें तो एक शॉपकीपर या एक सेलर, बस ठीक है। एक सेलर क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है 5% कमीशन पे, 5% कमीशन दे रहा है और 1.5% डेल कडर दे रहा है, मतलब 5% तो वो नॉर्मल कमीशन देता है, और जब एजेंट जब गारंटी लेगा ना कि हाँ भाई तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस ये पार्टी को उधारी का माल दो, ठीक है, तो उसको 1.5% और मिलेगा, ठीक है। इफ द एजेंट सेल, अगर एजेंट सेल करता है गुड्स वर्थ ₹30,600, मतलब ये क्या हो गई, ये सेल वैल्यू हो गई, ये टोटल सेल्स हो गया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाउ मच डज ही गेट, उसको कितना मिला, और हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एजेंट को कितना मिलेगा टोटल कमीशन, मतलब नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन प्लस डेल कडर कमीशन, यस और नो? ठीक है, ये मिलेगा उसको। मर्चेंट को क्या मिलेगा,
मर्चेंट को क्या मिलेगा? ये थर्ड सेल्स में से, हमेशा ध्यान रखना, सेल्स में से 30,600 में से जितना भी आपको ये एजेंट को देना बनता है, कमीशन माइनस कर दो, टोटल कमीशन माइनस कर दो, सेल्स में से जो भी टोटल आप कमीशन दे रहे हो सामने एजेंट को, ठीक है, वो आप अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मर्चेंट को कितना बचा? समझ में आ रहा है? इज एवरी वन ऑफ यू? मर्चेंट को कितना रिसीव होगा कमीशन देने के बाद में? जितना बच गया उतना मर्चेंट का अमाउंट है। यस, ये पार्ट समझा? तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ये एक पार्ट आपको समझ में आ गया है तो एजेंट का निकाल लो, 1.5% निकालो, पहले नॉर्मल कमीशन निकालो, 5% इंटू 30,600 ये निकालो, फिर 1.5% इंटू 30,600 ये निकालो, अमाउंट आएगा कमीशन का, टोटल कमीशन का अमाउंट आएगा, सेल्स में से माइनस करो। चलो आओ इधर, ये देखो कैसे क्या है, 5% ऑफ 30,600, ठीक है, ये आ जाता है आपका पार्ट वन, बिकॉज ये नॉर्मल कमीशन है। उसके बाद में डेल कट कमीशन कितना आ रहा है, 1.5% इंटू 30,600, 459। टोटल कमीशन कितना अर्न किया रे भाई, ये भी और ये भी, मतलब ये देखो डैश डैश डैश, ये वन और ये टू, इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया आपका टोटल कमीशन। समझ में आ रहा है? बस सेल्स में से गुड सोल्ड, जितने का सेल वैल्यू है, सेल्स में से कितना कमीशन दिया है आप उतना माइनस कर दो, तो आपका अमाउंट रिसीव बाय मर्चेंट। बहुत सिंपल था ये वाला पार्ट, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको चाहिए कि आपका कैलकुलेशन स्पीडली हो तो आपको एक एक क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, एवरी वन ऑफ यू। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो और यू नो कैलकुलेशन स्पीडली हो, तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक एक क्वेश्चन 3-3 बार लिख के सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। सर नहीं बताएंगे ये सब, ठीक है, सर के पास में टाइम भी नहीं है इतना डीप लेवल पे आपको बोलने के लिए कि आप क्या कर रहे हो घर पे, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बट एक क्वेश्चन अगर आप 3 बार करते हो ना, तो आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक ही मूल मंत्र है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत ईजी है। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5% ऑन फर्स्ट ₹50,000, मतलब क्या बोल रहा है वो, कमीशन डिडक्ट करना आफ्टर डिडक्टिंग कितना कमीशन, पहले इसको रीड करो, एंड बोला है ओके, एंड 5% बैलेंस ऑन सेल्स मिट पर है, ओके। चलो इतना पूरा साथ में रीड करो वापस से। क्वेश्चन 4 में आपको डाउट था, फिर क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह से ब्रैकेट डाल दो, फिर अब पढ़ो क्वेश्चन, अब समझ में आएगा। आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्ट करना है, क्या डिडक्ट करना है बच्चे, कमीशन 7.5% कमीशन डिडक्ट करो और 5% कमीशन डिडक्ट करो ऑन द बैलेंस सेल्स। अरे फर्स्ट 50,000 जो भी टोटल सेल्स है ना, उसमें पहले 50,000 पे 7.5% कमीशन दे रहे हो आप, ठीक है, वो माइनस करना है। और जो भी बैलेंस सेल है, मान लो एक्स बैलेंस कितना हो जाएगा सेल, अगर टोटल सेल्स हमने एक्स माना है तो बैलेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 50,000, यस और नो? तो इस पे 5% कमीशन डिडक्ट करो। ये दोनों कमीशन डिडक्ट करने के बाद में देखो, आफ्टर डिडक्टिंग दोनों कमीशन, एन एजेंट रेमिट्स, एजेंट देता है, कितना देता है, 93,750 रुपीज टू हिज प्रिंसिपल। अरे सी नाउ वी आर एजेंट, ठीक है, हम बेच रहे तो सेल वैल्यू तो हमें ही मिलेगी, हम बेच रहे हैं ना सामने वाले को, एजेंट सप्लाई बायर्स को बेचता है, ठीक है, तो बायर क्या करेगा, एजेंट को पैसा देगा। अब एजेंट क्या करेगा, अपना कमीशन डिडक्ट करके प्रिंसिपल को अमाउंट देगा। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? वही क्या, उसने एजेंट ने रेमिट किया है, कितना रेमिट किया, 93,750 रुपीज अपने प्रिंसिपल को दिया, मतलब ये कौन सा अमाउंट है पता है क्या, सेल में से कमीशन माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, जितना अमाउंट आप रेमिट कर रहे हो, अमाउंट रेमिटेड टू प्रिंसिपल, ये आ गया आपका 93,750। पहले मैथमेटिक्स से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, मतलब स्टेप्स वगैरह अपने आप इजीली खुद से बन जाते हैं,
आई थिंक आप सभी को स्टेप्स बनाने में तो दिक्कत नहीं हो रही थी, सिर्फ कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, यस और नो? स्टेप्स तो इजीली बन जाते हैं ना बच्चे, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छा पहले इसमें से ये माइनस करना, फिर इसमें से ये माइनस करना, फिर जाके हमारा ये आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टेप्स तो हम लोग खुद भी अपने ओन लैंग्वेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना। आई एम करेक्ट और रॉन्ग बोलो? स्टेप्स बन रहे हैं सभी को, कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद में स्टेप्स अपने आप बन जाएंगे। कोई ऐसा यू नो एक थंब रूल नहीं है कि भाई ऐसा 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 ही फॉलो करना है ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर रही हूँ कि भाई क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है? देखो ये क्लिक कैसे हुआ, एजेंट रेमिट करता है आफ्टर डिडक्टिंग, एजेंट रेमिट करता है 93,750 रुपीज टू हिज प्रिंसिपल, मतलब सेल्स में से कमीशन माइनस करके अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल को देता है, समझ में आ रहा? और ये वाला अमाउंट कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 93,750 रुपीस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम, कितने का उसने गुड्स सोल्ड किया वो निकालो, ये तो मालूम पड़ गया, ठीक है? 93,750 ये तो हमें मालूम पड़ गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ये क्या है, अमाउंट रेमिटेड टू हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इतना अमाउंट रेमिट किया। अरे प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE मत लिखना, ठीक है? चलो सेल्स वैल्यू कितना है, ओके सेल्स वैल्यू कितना है, अगर यही नहीं पता तो कमीशन कैसे निकालेंगे हम लोग? बट सेल्स का उन्होंने कुछ हिंट दिया है गाइस, ऊपर देखो उन्होंने सेल्स के लिए हमें ये हिंट दिया है कि पहले 50,000 पे 7.5% का सेल्स है, ये दिख रहा है? ये हिंट दिया उन्होंने सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए, पहले 50,000 पे 7.5% है और रिमेनिंग पे 5% है, ठीक है? तो निकाल सकता है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। किसी का कुछ ऐसे कोई शॉर्टकट है, किसी के दिमाग में कुछ और सॉल्यूशन आ रहा है तो मुझे बता दो यार। अरे किसी के दिमाग में कि मैम ऐसा करे क्या, सी सिचुएशन हमारे सामने है स्क्रीन पे, अब कैसे सॉल्व करना है बताओ मुझे, कैसे करोगे? पहले तो एक बहुत सिंपल सा स्टेप है, पहले यही निकाल लेते हैं ना, 50,000 का 7.5% निकालो, 7.5 अपॉन 100। अब ये पॉइंट हटाना है आपको, इधर ज़ीरो डाल दो, ये तीन ज़ीरो कैंसिल करो, 50 × 75 बताओ मुझे फटाफट से, 50 × 75 रुपीस कितना हुआ बोलो? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है 3750, तो ये हो गया आपका 3750 रुपीस, है ना? अब क्या, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, एक्स माइनस 50,000 ये मेरा सेल्स अमाउंट है, अरे रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस अमाउंट, पहले 50,000 पे 7%, तो रिमेनिंग सेल कितना हो गया, एक्स माइनस 50,000, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगा ऐसे क्वेश्चंस में, एंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो एक्स माइनस 50 अपन लेते हैं, ये कंसेप्ट समझा हमने क्या किया है? मैडम एक बार और बता दो, चलो यार टोटल सेल्स मैंने ले लिया एक्स, तो शुरू का 50,000, रिमेनिंग सेल कितना हो गया, एक्स माइनस 50,000। अगर इस वे से नहीं समझ रहा तो एक और सिंपल सा प्रेजेंटेशन ले लो, टोटल सेल्स हमने ले लिया एक्स, ये है हमारा 50,000, तो रिमेनिंग सेल कितना हुआ, एक्स इस पूरे एक्स में से 50,000 माइनस किया तो बचा हुआ सेल हुआ ना, यस और नो? ये पार्ट क्लियर हुआ क्या, इसमें गलतियां नहीं होगी, एवरी वन ऑफ यू पक्का बोलो यस yes. तो चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व करना आपको, एक्स माइनस 50,000 × 5 अपॉन 100। अब यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ तो वो कमीशन की वैल्यू भी नहीं दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे टोटल कमीशन है ना 3750 प्लस ये वाला पूरा कमीशन, इसको अभी सॉल्व मत करना, अभी सॉल्व मत करो, ऐसे कैसे ही लिखो, एक्स माइनस 50,000
इनटू 5/100. बस इक्वेशन बन गया. नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. बहुत सिंपल है, आपने खुद ने स्टेप बनाया. मैंने स्टेप नहीं बना के दिया आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे. कैसे करेंगे अब हम लोग, अब सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखो इसको, एक्स प्लस 37 प्लस नहीं सॉरी माइनस, सेल्स में से कमीशन माइनस होगा ना, माइनस 3750 प्लस एक्स माइनस 50,000 इंटू 5/100. अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट की नीड हो रही है, दो ब्रैकेट की नीड हो रही है, तो एक को बड़ा ब्रैकेट कर लेना. समझ में आ रहा है पैरेंथेसिस का यूज कैसे करना है? ओके, इज इक्वल टू 93750. अब सॉल्व करो, अब बहुत ईजी, अब कुछ भी नहीं है. ये देखो अब कैसे सॉल्व किया इन्होंने, शॉर्टकट क्या है. अब आप लोग इसके अंदर का सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले तो देखो ये अमाउंट इधर जाएगा, x माइनस 93750, ठीक है, इज इक्वल टू, आप लोग कैलकुलेशन बताओगे, मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है. ये पूरा ब्रैकेट हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, 3750 प्लस x माइनस 50,000 इंटू 5/100. ये स्टेप समझ में आया? क्या किया हमने इस स्टेप में, क्या किया? अरे इसको इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया, ठीक है. तो ये वो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक. अभी क्या करेंगे यार, हमने फालतू, ठीक है, फालतू लेके आया, फालतू फालतू लेकर आया, कोई नीड नहीं है इसकी. एक काम करते, रुको रुको रुको, डू वन थिंग, इससे और शॉर्टकट होता है तो फिर लॉन्ग कट क्यों जाना. आप डायरेक्टली x की वैल्यू निकालो ना, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखो, 93750 प्लस, ये लो. अब मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ट्रांसफ़र किया, इस पूरे माइनस वाले फिगर को मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया, ठीक है. अब सॉल्व करो, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल हो रहा है. करो इसका एडिशन करके बताओ, टिल देन मैं ये ला ब्रैकेट ओपन करती हूँ. 5x/100, जल्दी जल्दी, हाँ 5 5 का कितना, 25, ठीक है. सी ये 5 25, बस अब कितने नंबर ऑफ जीरो है उतने डाल दो, 1 2 3 4. अब बाद में लास्ट में कॉमास पुट कर दो, अपॉन 100. इनकी टोटल बताना, 93750 और इसकी टोटल बताओ जल्दी, कर रहे हो मेरे साथ साथ, बोलो. अरे बोलो, 93750 3750, इनको एडिशन करो. अब एडिशन सब्सट्रैक्शन सबका इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ ये नहीं, 97500 आ रहा है, ठीक है. अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड ऑन करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब इस पूरे को हमें 100 से करना पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ पे 97,500 इंटू 100, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो इसको एज इट इज लिख लो, 5x माइनस 2,50,000, ठीक है. x इज इक्वल टू चल ही रहा है, ठीक है. चलो और सॉल्व करो जल्दी से, x इज इक्वल टू करो, कितना हो रहा है ये, पहले मल्टीप्लिकेशन करना, लास्ट में कॉमास पुट करो, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होगी. अब इसको डायरेक्टली मल्टी माइनस करो 2,50,000, और ये आपका प्लस 5x. गाइस ये 100 को मैं डायरेक्टली नहीं, उसका भी सेंस नहीं है, चलो ठीक है, यहीं रहने दो. लेफ्ट हैंड साइड लेने में भी कोई सेंस नहीं, अल्टीमेटली वो यहीं पे आने वाला है. चलो करो सॉल्व, कितना आ रहा है, 97,50,000 में आप 2,50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है, 95,00,000 प्लस. अब ध्यान से देखो,
अब ध्यान से देखो, नाउ आई थिंक अगर हम इसे इस 100 को यहाँ लेके चले गए ना तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 100x बन जाएगा इज इक्वल टू, इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया, प्लस 5x. अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस ये 95x, ये कितना आ जाएगा, 95 लाख. आई होप हमने कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है राइट? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेट नहीं है तो चुपचाप आंसर आ जाएगा अपना. कितना आ रहा अमाउंट मैम, कैसे करते हो? अरे यार ये 95 95 कटा, 95 1 तो 1 ही आएगा ना, तो 1 लाख, और जितना जीरो तो उसको एज इट इज पुट करो. मतलब दिक्कत क्या आ रही है कैलकुलेशन में, मुझे नहीं समझ में आता. आपको सिंपल था तो क्वेश्चन था, 1 लाख आया क्या सभी का आंसर? टेल मी मैम, ये 1 लाख क्या है गाइस अपना, 1 लाख क्या है, समझ में नहीं आया. 1 लाख क्या था, क्या निकाल रहे हम लोग? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड. आपने एक्स किसको लिया था, एक्स किसको लिया, यहाँ पे भी देखो आपने टोटल सेल्स को लिया, यहाँ पे भी हमने सेल्स को ही लिया है ना. तो बस ये एक फॉर्मेशन हुआ, आंसर आ गया. अब आंसर प्रेजेंट कैसे कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं नोट्स में आके, किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है. चलो आ जाओ, रब कर दूँ मैं ये सब, चलेगा? रब कर देती हूँ, ठीक है. कोई बच्चा लिख रहा है क्या, इज एनी वन राइटिंग, कोई लिख रहा है तो बोलो. आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आप लिख लो पहले. ये जो अपने शॉर्टकट्स है ना, सेल्स माइनस कमीशन अमाउंट, लिख रहे हो? ओके ओके, लिख लो बेटा आप, ये लो ये लो. सिर्फ ये स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कौन से स्टेप्स? ये वाले और ये वाले, बस. इससे आंसर क्लिक, मतलब ना एकदम क्लियरली समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है. बस ये दो स्टेप लिख के रखो एवरीवन, बाकी तो बहुत नॉर्मल सा पार्ट है. यहाँ तक भी लिख लिया ना तो भी चलेगा, ये यहाँ तक लिख लो. एक क्लिक कर लो ना, फोटो क्लिक कर लो. चलो चलो बढ़ो आगे, ठीक है. एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जैक्टली आंसर, किस तरह से प्रेजेंट करना है गाइस, एक बार देख लेते हैं आंसर कैसे प्रेजेंट करना है. चलो देखो, डेटा गिवन क्या है, गिवन डेटा क्या क्या दिया था, एजेंट कमीशन अर्न करता 7.5%, दैट इज 7.5%, मतलब 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000, ऑन बैलेंस के बाद में 5%, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड, कितना बेचा उस एजेंट ने वो फाइंड करना है. तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. लेट सेल्स बी एक्स, कैसे मालूम पड़ा, अरे जो निकालना है उसको एक्स ले लो. अगर दो निकालने हैं कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, तो फिर उसका भी आपको हिंट दिया हुआ, एक को 100 लो और दूसरे को एक्स लो, है ना, ठीक है. मैम यहाँ पे आपने इसको 100 क्यों नहीं लिया, किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया क्या, हमने सेल्स को 100 क्यों नहीं लिया? एनीवन विद दिस डाउट टेल मी, किसी का दिमाग ऐसे चला क्या? ऐसा अतरंगी डाउट नहीं पूछना, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है जो हम लेते हैं ना, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस दोनों निकालने, वो सेलिंग प्राइस को लेते हैं हम 100, ये कॉस्ट प्राइस 100 लेते हैं, या सेल्स है रे, टोटल सेल्स को कैसे 100 लोगे, समझ रहे हो क्या? ऐसे गलतियां मत करना छोटी छोटी सी. हाँ चलो आ जाओ, आपने क्या लिया, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं ले सकते. ओके, कमीशन अर्न पहले 50,000 पे 7.5% निकाल लिया, यहाँ पे बैलेंस पे ये भी निकाल लिया, सॉल्व नहीं कर सकते. तो इक्वेशन बनाया है हमने, वो इक्वेशन क्या है, टोटल सेल्स, वही जो हमने लिखा, सेल्स में से, सेल्स में से क्या, कमीशन माइनस कर लो तो आ जाएगा अमाउंट रेमिटेड, या फिर सेल्स में से अमाउंट रेमिटेड माइनस कर लो तो आ जाएगा कमीशन. मैम हम लोग हमारे इससे लिखेंगे, बिल्कुल आप ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल सेल्स में से कमीशन माइनस करो तो आ जाएगा आपका अमाउंट रेमिटेड, अमाउंट रेमिटेड, ठीक है, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, डन. चलो बस उसके बाद तो आंसर सॉल्व किया, 1 लाख आया, द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट इज रुपीज 1 लाख, सिंपल. बढ़े आगे, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस.
क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. एन आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर फाइव हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, क्वेश्चन फाइव हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सरसाइज 1.2 से बेस्ड है. ठीक है, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स. एक आर्टिकल, एन आर्टिकल इज मार्क्ड. मार्क्ड बोला तो मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस. ठीक है, वो कैटलॉग पे है. कितने पे प्राइस है? 800 रुपीज. अरे कभी मिंत्रा वगैरह ओपन करते हो आप लोग? कभी अमेजोन मिंत्रा वगैरह ओपन किया है? उसमें भी मार्क्ड प्राइस एक होती है, फिर वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है 800 रुपये का डिस्काउंट करके वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ 600 रुपये में मिलेगा या सीधा 400 रुपये में मिलेगा. इस तरह से होता है, प्राइस डिडक्ट करते हैं. वो मार्केट प्राइस रहती है, MRP रहता है. ये सुनो, देखा है आपने एप्लीकेशन आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वट एवर, आप जहाँ से भी कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो, है ना, डिस्काउंट कट करके. तो मार्क्ड प्राइस मतलब क्या होता है बेटा? मार्क्ड मतलब कैटलॉग, मार्क्ड मतलब लिस्ट, मार्क मतलब मार्केट प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई भी इस पॉइंट पे तो डाउट नहीं होगा. तो ये हमारा मार्केट प्राइस है. ठीक है, 800 रुपये हमारा मार्केट प्राइस है. एक ट्रेडर अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 2.5%, 2.5% का डिस्काउंट अलाउ करता है. ओके, एंड गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट. क्या निकाल रहे हैं? 2.5% का डिस्काउंट अलाउ करता है. तो ट्रेडर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली ये कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? मैम ऐसा लिखा तो नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट? तो छोड़ो ना, डायरेक्टली माइनस करो. लो चलो डायरेक्टली माइनस करो. ये हमारा मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस. ठीक है, ये CP कैटलॉग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मत बोलना इसको. चलो 2.5% रिड्यूस करो, 2.5% रिड्यूस करो. कितना आता है 2.5%? अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? 2.5% इंटू 800. ये परसेंट भी अगर आपको हटाना है, ठीक है, ये परसेंट अगर हटाया तो यहाँ पे क्या जाएगा? 100. 2.5 अपन ये भी ज़ीरो हटाओ, इधर एक और ज़ीरो लिखो, तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 8 अपॉन 10. ₹20 का डिस्काउंट आ रहा है. ₹20 इसमें से माइनस किया तो हमें आया 780 रुपीज़. ठीक, यहाँ तक ठीक है. ये क्या आ रहा है? कौन सा प्राइस है? बिलिंग प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है. कौन सा प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है डियर. ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस है. ओके, एंड अब वो जो ट्रेडर, उसके बारे में बात हो रही है. एंड गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का वो 20% गेन करता है. तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100. इसका 20% उसका क्या है? प्रॉफिट है. इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखती हूँ, इट विल बी बेटर. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अरे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी, यस और नो? और आप हमेशा नोटिस करना, जो आप 100 लेते हो ना, वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों में से किसी एक को लेते हो. यहाँ पे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस. तो हमने किसको 100 लिया? इसको. प्रॉफिट कितना दिया है? 20%. कितने ऑन कॉस्ट? ऑन कॉस्ट ये 100 का 20%. ठीक है, 20% ऑन 100 कर दो इधर, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस. तो कितना आएगा? 20. 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120. यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो, यहां तक क्लियर है? ओके, अब एक बात याद रखो, इसमें और कैश डिस्काउंट है क्या? इस क्वेश्चन में और कैश डिस्काउंट वगैरह दे रहे क्या? कुछ बोला है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, ऐसा कुछ भी बोला है क्या? कुछ नहीं बोला. तो मैं मानो ये जो इनवॉइस प्राइस है, दिस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस, यस डियर, 780 रुपीज ही नेट सेलिंग प्राइस होगी. और अगर ये आपको समझ गया तो 100 रुपये कॉस्ट है तो 120 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है. और यही हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 780 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी? नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गेट द आंसर. कैसे करेंगे इसको?
780 into 100, क्रॉस क्रॉस जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करो into 100 और डिवाइड करो 120 से. करो जल्दी से, कितना है? बस सेम है, सेम आंसर आ रहा है, देख लो सेम आ रहा है, 780 into 100 upon 120. समझा? क्वेश्चन इजी है. आई होप इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 समझा सभी को? यस एवरी वन ऑफ यू बोलो जी. समझा? बड़े आगे क्लियर. अब ये कैलकुलेशन में तो डाउट नहीं है एंड आई सजेस्ट कि भाई 12, 13, 14 तक के भी टेबल सबको याद रहता है. 15 भी इजी है, ठीक है. 16 से लेके 19 तक के टेबल्स याद करो, वरना ऐसा होगा एक दिन ना हम लोग गूगल मीट के सेशन लेंगे और उसमें मुझे सबको टेबल पूछना पड़ेगा. यही बाकी रह गया अभी. सीरियसली गाइस, मतलब अगर टेबल याद है ना तो ये फटाफट फटाफट बनेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्व करने के लिए. इफ़ यू वांट कि आपका स्पीड मेंटेन रहे ना, टेबल्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दो. 12 टू एटलीस्ट आई से 19 तक याद रखो, ठीक है. नहीं करना है तो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन फास्ट फास्ट करो एंड कैलकुलेशन करो फिर, ठीक. चलो अप टू यू. मेरा काम है आपको हर पॉइंट पे सजेशन देना. चलो क्वेश्चन नंबर 7. अ सेल्समैन, एक सेल्समैन है इज पेड, उसको पे किया जाता है. ये डिक्टो क्वेश्चन हमने किया हुआ है आपके एक्सरसाइज का. डिक्टो क्वेश्चन है, मैं दिखाऊं आपको कौन सा क्वेश्चन है ये. आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही है ना. किसी ने क्वेश्चन 7 सॉल्व किया? डिक्टो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का. देखो सेल्समैन को क्या दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है फिक्स मंथली सैलरी दिया जा रहा है फिक्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स. मतलब क्या दिया जा रहा है उसको, एक सैलरी और दूसरा कमीशन, ठीक है. गिवन डेटा देख लो. इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 96,000, अगर 96,000 वो बेच रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 17,600 इन ऑल. मतलब ये 17,600 में सैलरी भी है कमीशन भी है. 17,600 में सैलरी भी है कमीशन भी है, इक्वेशन नंबर 1. ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है. जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई रिक्वेस्ट आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है. 1.1 वाला पार्ट देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताइए बेटा, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है. ऑलराइट चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है. अगर 18,800 उसको टोटल 18,800 मिल रहा है तो उसका सेल कितना है, ये है. तो करो इक्वेशन बनाओ. इतनी इनकम कमाता है तो सैलरी प्लस कमीशन ऑन इतना. अब ना सैलरी पता है ना कमीशन पता है, लेकिन हमें इतना दिख गया कि ये दो इक्वेशन बन गई. गई सीधा एड लेस करो आगे आंसर, सिर्फ एड लेस करना बचा और कुछ भी नहीं. यहां तक सभी को समझा क्या, ये दो इक्वेशन आई है सभी की? यस एवरीवन. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, मैं वापस से करवा के देती हूँ आपको. बोलो एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? नो डाउट्स, ओके. अगर ये दो बन गया तो ये देखो कैसे करना है आपको. ये दो इक्वेशन है, ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2. इसको माइनस करोगे, जब भी आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है. तो ऐसा हमने बचपन में सीखा था. क्या सीखा था बचपन में? कि जो साइंस है ना वो चेंज हो जाता है, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. तो ये जो प्लस है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. इधर प्लस है, ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ठीक है. ये क्लियर हो गया. अब प्लस माइनस, ठीक है. अब सैलरी फिक्स है, मतलब मान लो अगर यहाँ पे 15,000 सैलरी है तो यहाँ पे भी 15,000 ही सैलरी रहेगी. ये समझ में आ रहा है क्या? ऊपर नीचे 15 था तो 15 प्लस 15 माइनस 15 तो कैंसिल ही हो जाएगा. ऐसे भी नहीं समझ रहा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल ही हो जाता है, ठीक. उसी तरह से प्लस सैलरी माइनस सैलरी कैंसिल ही हो जाता है. तो गाइस ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है. अब इन दोनों को तो हम लोग माइनस कर सकते हैं. करो ज़रा माइनस, 8 में से गया 6, गया 2, 1, 1200 रुपये. और इधर कमीशन कितना आ रहा है, इनको भी माइनस कर दो, 12,000. तो 1200 रुपये आपने अर्न किया, 1200 रुपए इज इक्वल टू कमीशन ऑन 12,000. तो रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया, 1200 रुपए अर्न किया आपने 12,000 में, तो रेट कितना हो गया. करो ये दो जीरो कैंसिल करो, कितना आ रहा आंसर, 12 अपॉन 120 आ रहा है, ठीक है.
इसको और काटोगे तो 1/10 आएगा, ये 1/10 परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है, तो इनटू 100 करो, ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझा एवरी वन? यहाँ तक क्लियर हुआ आई थिंक? यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का एकदम एग्जैक्ट सिमिलर है, डिक्टो सेम है वो क्वेश्चन। चलो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, अभी कोई भी एक इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन थी राइट, ये रहा इक्वेशन वन, ये रहा इक्वेशन टू, कोई भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर दो। मान लो हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन ले लिया भाई, इक्वेशन वन, 17,600 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 96,000। ठीक है, तो अभी कमीशन का रेट कितना है, 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 9,600 रुपया, और 17,000 ये जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, माइनस होगा इज इक्वल टू सैलरी, सैलरी आ जाएगी 8,000। तो आपने दोनों निकाल लिया, सैलरी भी निकाल लिया, कमीशन भी निकाल लिया, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल पार्ट है। चलो बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़े आगे। यस एवरीवन, पूछ लो बाबा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वापस से पूछो। ऑफलाइन स्टूडेंट आप भी कभी भी मैसेज करो, ऑल राइट, यस, नो डाउट्स, ओके, नो डाउट, नो डाउट पूछते हो दुष्टो, होमवर्क किधर है, होमवर्क ग्रुप में व्हाट्सएप क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 बच्चों का होमवर्क आया है, क्यों ऐसा भाई? बहुत सारी चीजें होती है, आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे तो हम आपकी मिस्टेक्स नहीं बता पाएंगे, पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे मिस्टेक, भले एक हैंडराइटिंग की भी मिस्टेक हो या कुछ प्रेजेंटेशन का भी मिस्टेक हो, तो इट मैटर्स इफ यू वांट टू स्कोर आउट ऑफ, ठीक है, तो हर एक छोटा मिस्टेक मैटर करता है बेटा, ठीक। और अगर आप लोग ग्रुप में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली मैं देखने ही वाली हूँ उसे, ठीक है। चलो तो रिक्वेस्ट है, होमवर्क करो, व्हाट्सएप करो। क्वेश्चन नंबर 8, अ मर्चेंट बाय, मर्चेंट क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, कुछ मिक्सर्स बाय कर रहा है एट 15, गाइस मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो तो यार, पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजिंग है, क्या है, कंफ्यूजिंग है, कुछ दिमाग ऐसा तिगड़म चलता है इधर, मैं बताऊंगी कहाँ पे, वो वाला पॉइंट मार्क करके रखना, ठीक है। और एक बार ये क्वेश्चन को तो देख के जाना एग्जाम में, चलो हम खुद सॉल्व करेंगे, ऑल राइट, हम खुद सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। एक मर्चेंट क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है कुछ मिक्सर्स एट, मर्चेंट बाय आप समझो, जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, ठीक है, जो बेच रहा है, अरे अगर मैं आपको कुछ चीज़ से होल्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं खुद ही परचेज कर रही हूँ 15% डिस्काउंट पे ऑन कैटलॉग प्राइस, तो मुझे कितने में मिला? चलो यार एक बार डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा मर्चेंट, ये सारी शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह है ना, ये सब आपने खुद ने लिखना। ये मर्चेंट है, ये परचेज कर रहा है कैटलॉग प्राइस पे, डिस्काउंट एट 15%, इससे इसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ओके। कैटलॉग की प्राइस है 5,500 पर पीस ऑफ मिक्सर, ओके, कैटलॉग की प्राइस कितनी दे दी है, 5,500, तो इसका 15% कितना आएगा, 5,500 का 15% निकालो जल्दी से, 5,500 का 15% निकालो, 15/100 करो, इसको मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, कितना आता है आंसर, यस, कितने बच्चों ने होमवर्क किया है बताओ, अरे 55 × 15 कितना होता है, तो यहाँ पे 825 लिखो, माइनस करो अभी से, और माइनस करने के बाद में अमाउंट कितनी आ रही है बोलो, अमाउंट कितनी आ रही है, किया क्या नहीं किया आप लोगों ने, बोलो बोलो बोलो, सॉल्व करो, मुझे सॉल्व नहीं करना है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, करो सॉल्व साथ में सबके सब, एवरी वन ऑफ यू सॉल्व करो बेटा, ये कैलकुलेशन यही इम्पोर्टेंट है,
करो, 5500 माइनस 825 रुपीस करो, कर तो बताओ जल्दी से। ऑलरेडी कर दिया है बेटा ये, यहाँ पे देखो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको दे दिया है, सेम चीज़ है। 5500 रुपीस माइनस 825 की आपने 4675 आ रहा है, ठीक है, ये हो जाती है आपकी परचेज प्राइस हो जाएगी। यस, कर लिया है, वेरी गुड, 4675 रुपीस हो जाएगी आपकी परचेज प्राइस। एक मिनट, हमारी परचेज प्राइस कैसे हुई? अरे आप परचेज कर रहे हो ना, डिस्काउंट माइनस करके तुम परचेज करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी परचेज वाली प्राइस। ये समझ में आया क्या? 4675 इज योर परचेज प्राइस, ठीक है, 5500 रुपये। एक मिनट, कैलकुलेशन हटाती हूँ मैं यहाँ से, रब करती सारी चीज़ें। 5500 में से हमने 825 रुपीज़ माइनस किया तो 4675 रुपीज़ आता है। ये कैटलॉग प्राइस दिया था, 15% का डिस्काउंट भी दिया कि हमने परचेज करने के टाइम पे हमें 15% का डिस्काउंट मिला। तो हमने कितना पेमेंट किया होगा उसको? हमने गुड्स परचेज किया और इसको पेमेंट कितना किया? 4675 रुपीज़ का पेमेंट किया। ऑल राइट, अब बढ़ो आगे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेट चार्जेस अमाउंट्स टू 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस। फ्रेट का चार्ज मतलब 5500 रुपए, ये कैटलॉग प्राइस था, इस पे ही 2.5% निकालो, इस पे ही 2.5% निकालो, कितना आ रहा अमाउंट फ्रेट चार्जेस? यहाँ पे देखो 5500 इंटू 2.5% आ रहा है आपका 137.5, ये फ्रेट चार्जेस है, ठीक है। मतलब आपने परचेस किया और साथ साथ में इसके साथ में आपको क्या करना पड़ा? आपको इसके अलावा ना फ्रेट का पेमेंट करना पड़ा। क्या पेमेंट करना पड़ा? फ्रेट चार्जेस। फ्रेट, फ्रेट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ से हमने गुड्स मंगवाए हैं वहाँ से अपने फैक्ट्री या अपने शॉप तक ला के देने का खर्चा कितना आ रहा है? 137.5 समथिंग कुछ अमाउंट है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? अरे अपने इतने में परचेज किया, इतना आपको और खर्चा लगा तो ये आपका क्या हो गया? क्या बोलोगे आप उसको? ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस बोलोगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लिख दो इसको कॉस्ट प्राइस, इतनी आपकी कॉस्ट लगी। ये समझ में आ रहा है क्या? इतनी आपकी कॉस्ट लगी, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर अगर हो गया तो अब बहुत ईजी है कि जो सेलर है, देखो जो सेलर है, जो मर्चेंट है, वो बेच रहा है अभी इस हर एक मिक्सर को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर एक मिक्सर की कॉस्ट कितनी हुई? हर एक मिक्सर की कॉस्ट कितनी हुई? एडिशन परचेज प्राइस और फ्रेट, ये परचेज प्राइस भी एक मिक्सर का है, ये फ्रेट भी एक मिक्सर का है, तो ये 4812.5 कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस है आपकी, कॉस्ट प्राइस है पर मिक्सर, पर मिक्सर एक मिक्सर की कॉस्ट प्राइस है। ये समझ में आया? और अब क्या बोल रहा है वो कि भाई जो मर्चेंट है वो बेच रहा है हर एक मिक्सर को 5% डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस, वापस से कैटलॉग प्राइस। तो अभी कैटलॉग प्राइस कितना है? कैटलॉग प्राइस एक ही है, जहां जहां क्वेश्चन में कैटलॉग प्राइस दे रहा है वहां वहां 5500, वहां वहां 5500। समझ में आ रहा है? बिल्कुल अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ रहे हो? हाँ तो निकालो, अभी कितने में बेचे आप? 5500 इंटू 5% करो, ये क्या है? डिस्काउंट दे रहे हो ना आप? हाँ तो फिर उसको माइनस करो कैटलॉग प्राइस में से, 5% माइनस करो, डिस्काउंट है इसका 5%, मतलब 5500 में से माइनस करो 5%। कैसे करोगे? 5% ऑफ 5500 कितना आता है ये वैल्यू? टू बी मोर स्पेसिफिक इसको इसी तरह से लिखो, 5/100 इंटू 5500, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप लिखो वहाँ पे। माइनस करो, करो कितना आ रहा है बताओ? ये जो प्राइस आएगी, ये प्राइस में हमने सेल किया है, नेट सेलिंग प्राइस। अरे समझ में आ रहा है क्या? आप बेच रहे हो 5% डिस्काउंट लगा के, तो ये आ जाएगी आपका नेट सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 275 समथिंग है, ठीक है, रुको यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 5225 समथिंग है। मेन क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो,
कैलकुलेशन ठीक है यार, कैलकुलेशन इस पार्ट इज इजी, बट गलती नहीं होनी चाहिए, मेन कंसेप्ट पे ध्यान दो। ये हो गया है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी? 4812। कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी बेटा? 4812 समथिंग था ना, कितना था? कितना था कॉस्ट प्राइस? 4812.5 ठीक है, इज इक्वल टू 4812.5। उसको आता है इतने अमाउंट पे, और वो बेच कितने में रहा है, कितने में बेच रहा है? नेट सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? मतलब वो 5500 पे 5% का डिस्काउंट माइनस करके कितना आ रहा है अमाउंट, वो इस प्राइस पे बेच रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट उसका क्या हो गया? इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो प्रॉफिट आ गया ना, सिंपल था तो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की मैं आपको हर एक हिंट, एक और हिंट देती हूँ। ये जितना उसने बोला उतना हमने कर लिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट, हिज नेट प्रॉफिट इज 41,250 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सर्स। अरे बाप रे, नंबर ऑफ मिक्सर्स निकालना है आपको, टोटल प्रॉफिट दे दिया है। अब हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो अगर टोटल प्रॉफिट पूरे मिक्सर्स का, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल मिक्सर्स 4125 है, तो एक मिक्सर का, एक मिक्सर का प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ पे वन मिक्सर का प्रॉफिट आना चाहिए, एक मिक्सर का, पर मिक्सर का अगर प्रॉफिट निकाल लेना हम लोग, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मिक्सर की, टोटल हमने कितने नंबर ऑफ मिक्सर्स बेचे वो मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को? बोलो, नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस से बताती हूँ। ये सिर्फ लास्ट वाली लाइन से ये कंक्लूजन निकल रहा है बस। क्या निकालने बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सर्स, कितने मिक्सर्स हैं, ठीक। टोटल प्रॉफिट दे दिया कि मिक्सर्स को बेचने का, पूरे मिक्सर्स हमने बेचे तो इतना इतना प्रॉफिट निकला, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑफ वन मिक्सर, अगर इन दोनों को प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मिक्सर्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? और प्रॉफिट पर मिक्सर बोल रहा है, तो अभी हमारे पास में कॉस्ट प्राइस भी आ गई है, हमारे पास में सेलिंग प्राइस भी आ गई है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वो आ जाता है आपका प्रॉफिट पर मिक्सर। बस उन दोनों को डिवाइड करो, आ गया आपका नंबर ऑफ मिक्सर। कंसेप्ट समझ में आया हूँ? यस और नो? बोलो बोलो, टेक योर टाइम, एवरी वन ऑफ यू, कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा? इस बोलो बच्चो, आर्या, दर्शना, तन्मय, अंकिता, विकास, बोलो बेटा, सभी को समझ में आया? एक बार वापस से करना है क्वेश्चन, मार्क इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी समय है थोड़ा, एक बार वापस से करना है, वापस से बता दो शॉर्टकट। यस, ठीक है ओके। एक बच्चे ने भी बोला तो मैडम तो आपकी वापस से करवाने ही वाली है, तो सवाल ही नहीं उठता। देखो, ऐसे लंबे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगी, जितना जितना पूछा है ना उतना उतना रफ में कैलकुलेशन करते चलो पहले। तो हमने पहले वही किया, हमारा अप्रोच भी वही था कि एक मर्चेंट जो है वो बाय करता है, कितना मिक्सर बाय कर रहा है, बाय सम मिक्सर, कुछ मिक्सर्स, और क्वेश्चन क्या बोला, नंबर ऑफ मिक्सर्स, ठीक है, कितने पे? 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस दे दिया 5,500 रुपये। तो 5,500 रुपये का, चलो आंसर में से ही देखते हैं, आंसर में तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, आंसर मत देखो, वो सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन स्किल है। यहाँ पे है हमारा मर्चेंट, कैटलॉग प्राइस वो परचेस कर रहा है, कैटलॉग प्राइस कितनी दे दी है उसने, कैटलॉग प्राइस 5,500, उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, माइनस 15% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा था कुछ 825 रुपीस, ठीक है, ये माइनस किया 4675, प्लस फ्रेट चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं उसको, फ्रेट चार्ज भी लग रहा है, तो यहाँ पे ऐड करो, ये परचेस प्राइस है, ठीक है आपका, फ्रेट चार्ज, अरे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्रेट चार्जेस आपने ऐड किया 1375, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 4812.5। हाँ, ये प्राइस पे अपन को घर पे आने का, हमारे शॉप तक आने का, हमारे फैक्ट्री तक आने का खर्चा टोटल, तो ये मेरी टोटल क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये मर्चेंट परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है 4812.5 पे, ठीक है 4812.5, ये सेलिंग कितने पे कर रहा है, सेल कितने पे कर रहा है,
तरफ परचेज किया उसने, एक तरफ वो सेल कर रहा है, सेल कितने पे कर रहा है उसका भी उसने क्वेश्चन में बोला है, सेलिंग किस पे कर रहा है। देखो जरा, मर्चेंट सेल ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस। तो 5,500 पे वापस से 5% का डिस्काउंट निकालो, 5,500 पे वापस से 5% का डिस्काउंट निकालो, वो आ जाता है आपका 5225। ठीक है, वो आ जाता है आपका 5225 रुपीस। ये समझ में आया सभी को? यस। अरे परचेज कर रहे हैं 4,800 पे, सेलिंग कर रहे हैं 5,200 पे, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना, ये मर्चेंट को प्रॉफिट कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 5225 माइनस 4812.5 माइनस करो, ये हो गया इसका प्रॉफिट पर मिक्सर। ये एक मिक्सर का, ये कॉस्ट प्राइस थी पर मिक्सर की, ये सेलिंग प्राइस था पर मिक्सर का, और हमें एक मिक्सर का ही चाहिए। क्यों एक मिक्सर का चाहिए? एक मिक्सर पे उसको कितनी प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों को माइनस करो तो आपको एक मिक्सर का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना हो रहा है बेटा, बेटा बताओ जल्दी से, एक मिक्सर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखो, नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 412.5। ठीक है, हाँ करो अभी, बस ये डायग्राम लिख के रखो आप अपने टेक्स्ट बुक पे। 412.5 ये है हमारा प्रॉफिट पर मिक्सर। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस है ये भी एक मिक्सर की है, ये कॉस्ट प्राइस भी एक मिक्सर की है, तो ये प्रॉफिट भी एक मिक्सर का ही होगा। ये समझ में आया? तो अभी बस उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड हुए हैं, नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड, सोल्ड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। टोटल प्रॉफिट दे दिया है उन्होंने आपको, टोटल प्रॉफिट दे दिया है, कितना दिया क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट? देखो जरा क्वेश्चन, बढ़ो आगे, क्वेश्चन पढ़ो, कितना दिया नेट प्रॉफिट उन्होंने? देखो इधर 41250, ओके 41250 उन्होंने ये दे दिया हमें, टोटल प्रॉफिट दे दिया है। अब बनाओ फॉर्मूला, ये पॉइंट पे अटके अटके हो ना, बस अब यहाँ पे आपको हम बनाना है फॉर्मूला बनाना है। कैसे करेंगे हम ये वाला पार्ट, कैसे करोगे? टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है इतना बताओ मुझे। टोटल प्रॉफिट ये जो दिया है उन्होंने आपको 41250, ये कैसे निकला होगा? नंबर ऑफ मिक्सर इंटू एक मिक्सर का प्रॉफिट, नंबर ऑफ मिक्सर जितने आपने बेचे हैं इंटू प्रॉफिट पर मिक्सर, यस और नो? अरे ये समझ में आया ना, ये समझ में आया क्या? बोलो बोलो, ये समझ में आया? अरे टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा, अपना मिक्सी बेचने का काम है, मिक्सी बेच रहे हैं अपन, ठीक है। अभी जी कितना मिक्सी बेचा और कितना प्रॉफिट होता है एक मिक्सर पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये निकालना है गाइस, ये निकालना है, तो कैसे करोगे? इसको इधर भेजू, अरे राइट हैंड साइड को मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। तो 41250 अपॉन प्रॉफिट पर मिक्सर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड। अब समझ में आया ये वो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है? यस, अभी समझ में आया ये वाला पार्ट? तो अभी प्रॉफिट पर मिक्सर तो आपको आई गया ना, कैसे आया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दिया गया प्रॉफिट पर मिक्सर, तो 41250 करो, पुट करो वैल्यू से, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 41610 हो गए, हाँ क्या 41250 अपॉन 412.5। बच्चों बोलते हैं लेक्चर 5 मिनट में रहेगा बेटा, अकाउंट का लेक्चर 5 मिनट्स में होगा स्टार्ट हमारा, ठीक है। तो बस इसको डिवाइड कर लो, योर आंसर विल बी 100। तो हमने टोटल कितने मिक्सर सोल्ड किए? 100, खत्म, ठीक है, ओके। चलो बाकी के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, एवरीवन होमवर्क करो, एक्सरसाइज फिनिश करो, ठीक है। अभी कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं हम, नहीं 11 भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन 12 करो, क्वेश्चन 13, बस क्वेश्चन 12 एंड 13, बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म।
16 भी कर सकते हो, 16 भी है, है ना? अरे 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 अरे, और सारे यार 16 17। अच्छा, चार ही क्वेश्चन तो है, तो आज के लिए सिर्फ चार ही क्वेश्चन है गाइस, इतने फिनिश करो, ठीक है? कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, हैव अ 5 मिनट ब्रेक एंड फिर आपका अकाउंट कलेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है? टाइम तो बताया करो, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता, टाइम बताया करो, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ए चलना भी हो।